है ना? तो उसी पे आधारित एक उपकरण होता है जिसका नाम है कैलिडोस्कोप। क्या नाम है? कैलिडोस्कोप। इसके आविष्कारक है डेविड ब्रूस्टर। डेविड ब्रूस्टर। कैलिडोस्कोप शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द कोलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुंदरता और इडोस का अर्थ होता है जो देखा गया है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक परावर्तक सतह होती है समतल दर्पण की, ठीक है, जो आपस में किसी निश्चित कोण पर झुकी होती है। जब निश्चित कोण पर झुकी होती है जिसके कारण क्या होता है, इसमें बहु परावर्तन होता है। एक बार परावर्तन होने के बाद एक दर्पण से परावर्तन होगा, उसके बाद दूसरे दर्पण से परावर्तन होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहु परावर्तन के कारण इसमें बहु प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो जब प्रकाश के अनेक परावर्तन हो जाएंगे उसके कारण इसमें बहु प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके कारण एक सुंदर पैटर्न का निर्माण होता है। देखो लक्ष्मी दिख रहा है इसको, घुमाओ देखो, इसमें कोई पिक्चर दिख रही तुम्हें? हाथ में देखो, तुम देखो आगे, आगे बढ़ के देखो, दिखता है? तो इसमें सुंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस।